सब्सक्राइब करें ASRS शिष्य गुरु चैनल को और हमारी वीडियोस मिस ना करने के लिए दबाएं इस घंटे को। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके सपने चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स क्या कि अबाउट पर्सनैलिटी टाइप। इसका मैंने दो वीडियो लॉन्च कर रखा है, आपको ये थर्ड मैं लॉन्च कर रहा हूँ। तो इसमें आपको मैं बताऊँगा अबाउट पर्सनैलिटी टाइप में जो रूट वर्ड है उससे रिलेटेड कुछ वर्ड बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपका वर्ड गिवन है फ्रेंड्स क्या, रूट वर्ड जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है रूट वर्ड, और ये आपका इसका मीनिंग गिवन, ठीक है। तो देखिए आपको इसको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद ये सारे मीनिंग को लिखना है, उसके बाद देन इसको भी लिखना है, उसके बाद आपको वीडियो को देखना है, ठीक है। तो वीडियो को आप पॉज करने के बाद क्या करो, आप जो मैंने रूट वर्ड लिख रखा है एक साइड रूट वर्ड लिखो, एक साइड आप मीनिंग लिखो, और देन उसके बाद आप वीडियो देखना स्टार्ट करो, ठीक है। ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ओके। तो देखिए सबसे पहला रूट वर्ड मैं डिस्कस करता हूँ क्योंकि मैं रुक नहीं सकता हूँ फ्रेंड्स, ओके। क्योंकि रुकने के बाद ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, इसलिए आप क्या करो वीडियो को पॉज करो, देन उसके बाद इसको लिखो अपने नोटबुक में, उसके बाद आप वीडियो को देखो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वर्ड देखते हैं क्या, इंट्रो। इंट्रो मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इंट्रो मतलब क्या होता है, इनसाइड। मतलब देखो इनसाइड मैंने यहाँ पर लिख रखा है, देखो इंट्रो मतलब इनसाइड, मतलब कि अंदर की ओर। जैसे कि देखो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, और ये यहाँ पर घर में के अंदर है, यानी कि अंदर की ओर है, मतलब मैं बोल सकता हूँ इनसाइड, अंदर की ओर, ठीक है, इसको आप बोल सकते हो, ठीक है। अब एक्स्ट्रो, एक्स्ट्रो मतलब आउटसाइड, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्स्ट्रो, ठीक है, ये आप ऐसे याद करो कि ट्रो मतलब साइड, और ट्रो मतलब साइड, इसमें आपको रिलेट करके याद करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो एक्स्ट्रो मतलब आउट, मतलब बाहर। मैं बोल सकता हूँ कि ये देखो यहाँ पे इसका घर है और ये क्या है, घर से बाहर है, यानी कि एक्स्ट्रो मतलब आउटसाइड है। जैसे हम लोग बोलते हैं कभी कभी किसी के कॉल आया आपको तो आपसे पूछा जाए कि आप कहाँ पे हो, तो आप बोलोगे मैं अभी आउटसाइड हूँ, घर से बाहर हूँ, मतलब कि एक्स्ट्रो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, ये आपका रूट वर्ड हो गया, ठीक है। अब हम लोग इससे रिलेटेड वर्ड देखेंगे, और उसके बाद हमारा जो MB, MB मतलब क्या होता है, बोथ। जैसे कि MB मतलब बोथ, कैसे देखो यहाँ पे देखो आप इसको याद कर लें, ऐसे करो M और B, MB मतलब बोथ, यानी कि एक और एक दो, यानी कि दो, यानी कि बोथ, ठीक है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ MB मतलब क्या होता है, बोथ, ठीक है। दोनों ने मुझे प्रपोज किया, ठीक है, ये आपका लिंक पॉइंट है, इसे ऐसे याद करो, ठीक है। मैं कैसे आपको देख बताता हूँ, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि ये यहाँ पे मैं हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख रखा ASR, ठीक है। यहाँ पे मुझे प्रिया नाम की लड़की ने प्रपोज किया, ठीक है, देन उसने मुझे बोला आई लव यू, ठीक है। मैं आपको सिर्फ ऐसा समझाने के लिए बोल रहा हूँ, आप इसको ज़्यादा दिल पे ना लें, ठीक है। तो अगर कोई प्रिया नाम की लड़की होगी तो अब मैं उसे सॉरी बोलना चाहता हूँ, बट मैं एग्जांपल में ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो उसने प्रिया नाम की लड़की ने मुझे बोला आई लव यू, ठीक है, और देन उसके बाद मुझे एक रितिका नाम की लड़की ने भी बोला आई लव यू, ठीक है। तो यानी कि मैं किसी को बोल सकता हूँ कि यार किसी ने मुझे, मैं दोनों को जगह पे मैं जब यूज़ करना होगा कि बोथ ने मुझे प्रपोज किया, तो मैं जब कैसे यूज़ करूँगा, तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा, MB वर्ड को यूज़ करूँगा, ठीक है। यानी कि MB मतलब बोथ, मैं बोलूँगा कि मेरे को जब दोनों ने प्रपोज किया, यानी कि बोथ ने प्रपोज किया, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो MB मतलब बोथ, ठीक है। ऐसा आप बोल सकते हो कि बोथ यानी कि दोनों ने मुझे प्रपोज किया, ठीक है, दोनों की बात हो रही है, दोनों को साथ लिया जा रहा है, कि दो बोथ सभी को, जिसको मतलब बोथ होता है, ठीक है। अब देखो वर्टो, वर्टो मतलब क्या होता है, घूमना। अब जैसे कि यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है। मैं आपको अक्सर एग्जांपल फोटो की तरह इमेज बना के दे रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि आपके माइंड में ये सेटअप हो जाए। मैंने इस एग्जांपल को क्यों लिया कि मुझे प्रपोज किया, क्योंकि आपको इस तरह से क्या होगा, आपको ये माइंड में सेटअप हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, ज़्यादा दिन तक वर्ड को याद कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको फिगर के माध्यम से बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने लिया कि एक व्यक्ति है, अब ये यहाँ से जा रहा है, ठीक है, यहाँ से जा रहा है, और उसके बाद क्या हुआ कि ये यहाँ पे रास्ता को भूल गया है, उसके बाद देन इसको रिटर्न मैंने घूम गया, ठीक है, मतलब टर्न। यानी कि आप कई सारे वर्ड को आप जान भी सकते हो, टर्न मतलब क्या होता है, बहुत ही ईजी वर्ड है, तो ठीक है आप इसे बोल सकते हो टर्न कर रहा है। यहाँ पे ऐसे देखो, या फिर ये यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे जा रहा है, फिर यहाँ पे देखो टर्न करके यहाँ पे जा रहा है, यानी कि टर्न मतलब क्या होता है, घूमना, ठीक है, आप इसे ऐसे भी याद करते। अब हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ वर्ड, ठीक है, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम लोग उस वर्ड को डिस्कस करते हैं, ओके। अब देखिए इससे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है फ्रेंड्स, उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए ये हम लोगों ने देखा वर्टो, MB, और उसके बाद जो भी हम लोग रूट वर्ड देखा हम लोगों ने, मैं उसको एक बार रिवाइज करा देता हूँ, उसके बाद हम लोग देन वहाँ पे इजीली देखेंगे कि हमारा क्या हो रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा वर्टो, उसके बाद एक्स्ट्रो, इंट्रो, और उसके बाद MB और वर्टो, तो हम लोगों ने देखा इसके मीनिंग को भी हम लोगों ने पता किया, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इससे मिलता जुलता वर्ड, यानी कि जो इसका मेन रूट वर्ड का जो यूज़ होता है वो कहाँ पे होता है, ठीक है। देखिए आपका सबसे पहले मैं यहाँ पे लेता हूँ क्या, इंट्रोवर्ट। अब यहाँ पे देखो आपको पता है कि इंट्रो मतलब क्या होता है, ठीक है। तो जब आपको पता है कि इंट्रो मतलब क्या होता है, तो आप बोल सकते हो इंट्रो मतलब इनसाइड, अंदर की ओर। अब
वर्ट मतलब क्या होता है, घूमना। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तो मैं बता दूँ, वर्ट मतलब होता है घूमना यानी कि टर्न करना। तो यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या हो सकता है, ठीक है, देखो इसका मीनिंग आपको क्या फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपके ऑप्शन में ऐसे रख सकता है टर्न्स, ठीक है, टर्न्स थॉट इन वर्ड, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो। यहाँ पे देखो टर्न्स मतलब इंट्रो, वर्ट, वर्ट को देखो जैसे कि टर्न मतलब वर्ट, तो यहाँ पे देखो इसे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अब इसको हम लोग एग्जांपल में समझते हैं कैसे इसका क्या मीनिंग होता है। देखो मैंने यहाँ पे ले रखा है वैसे व्यक्ति जो अपने अंदर की सोच, ठीक है, मतलब वैसे व्यक्ति जो अपने अंदर की सोच को, अपने बातों को बाहर नहीं रखते हैं। मतलब क्या, देखो यहाँ पे जैसे कि ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, इसके अंदर जो भी मतलब जो सोचता है मतलब बाहर नहीं रखता है। मतलब व्हाट मतलब क्या होता है, घूमना, मतलब ऐसे भी बोल सकते हो कि जो अंदर की इसके चीज़ें, आपको पता है इंट्रो मतलब अंदर की ओर, तो जो अंदर की चीज़ें से इसके अंदर कुछ कुछ बातें हैं ये क्या कह रहा है, बाहर नहीं शेयर कर रहा है, मतलब कि ये घुमा नहीं रहा किसी चीज़ को, मतलब वो बातें को किसी के पास भेज नहीं रहा, ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है, मतलब अंदर की ओर रखता हो, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इंट्रोवर्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है, एक्स्ट्रोवर्ट, सेम इसका अपोजिट हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हो वर्ट भी है, आप यहाँ पे इंट्रो भी देख रहे हो, अब यहाँ पे एक्स्ट्रो, सीपी यहाँ पे अंदर था, यहाँ पे बाहर, तो बस यहाँ पे हो जाएगा सेम। यहाँ पे मैंने रख रखा है एग्जांपल में कि वैसा व्यक्ति जो मतलब अपने अंदर के बातों को दूसरों को बताए, यहाँ पे देखो ये सारे बातें इस बंदे को बता रहा है। तो यहाँ पे भी देखो एग्जांपल से आपको मैं फिर से समझा देता हूँ कि एक्स्ट्रोवर्ट मतलब क्या, इसके एक्स्ट्रो मतलब होता है बाहर की ओर, तो यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूँ बाहर की ओर, आपको पता ही होगा, ठीक है, जो मैंने बता दिया स्टार्टिंग में। तो बाहर की ओर मतलब अपने सारे बातों को क्या कर रहा है, ये टोटल का टोटल किसी दूसरे व्यक्ति को, मतलब बाहर में किसी को, मतलब जो इससे अनजान हो या कुछ भी हो, इसको सारे बातें बता दे रहा है। मतलब ऐसा बोल सकते हो किसी किसी व्यक्ति के अंदर में ऐसे खूबियाँ होती है जो किसी को अपने बातें ना बताता, ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने सारे बातें किसी को बता देता, ठीक है। तो मतलब अपने सारे बातों को वो शेयर कर रहा है तो एक्स्ट्रोवर्ट हो गया, जो नहीं कर रहा है वो क्या हो गया, इंट्रोवर्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए एम्बिवर्ट मतलब, अब यहाँ पे आप देख सकते हो यार वर्ट मतलब तो मेरे को पता चल गया, मतलब जो बातें घुमा रहा है, बाहर कर रहा है, अंदर कर रहा है, ठीक है, ये आप यहाँ पे यूज़ कर रहे थे। अब आपका वर्ड आ गया एम्बी, एम्बी मतलब तो हम लोगों ने बताया था एम्बी मतलब बोथ, जो मैंने आपको एग्जांपल से बताया था कि यहाँ पे मैं हूँ और यहाँ पे ASR भाई है आपका, और यहाँ पे आपको किसी लड़की ने, मैंने प्रिया बताया था, उसके बाद यहाँ पे आपका रितिका ने भी मुझे प्रपोज कर दिया, यानी कि दोनों ने प्रपोज किया, यानी कि बोथ। तो बोथ मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, आपका MB। अब यहाँ पे आपको याद आ गया कि MB मतलब बोथ, जो मैंने आपका यहाँ पे भी एग्जांपल दे दिया, ठीक है। अब देखो जिसके अंदर मतलब इनवर्ड और आउटवर्ड, मतलब मैं बोल सकता हूँ जो चीज़ें ये दोनों के अंदर हो, मतलब कुछ बातें ऐसी भी हो इसके पास कि जो अंदर की मतलब किसी को बताता नहीं हो, और कुछ बातें ऐसा भी हो इसके पास जो किसी को बता देता हो, मतलब मैं बोल सकता हूँ ये दोनों सिमिलरिटी हो इसके पास, ठीक है, ये दोनों गुण हो, एक्स्ट्रोवर्ट भी इसके पास हो और इंट्रोवर्ट भी हो, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एम्बीवर्ट। तो यहाँ पे ये आपका वर्ड बन गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसको आप लोग देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स।